अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल साफजा में फोक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मुकामी गुलकारों, फनकारों और कलाकारों ने किया गर्म जोशी का इजहार। फेस्टिवल पूरे 3 दिन पंजाब में हमने कोशिश की है राजौरी सब ऑफिस में ऑर्गेनाइज करने की। मकसद उसका ये है कि हमारे जो फोक गीत हैं, हमारे फोक डांसेस हैं, फोक लोर हैं हमारे, उनको रिवाइव किया जाए और अपने आर्टिस्टों को बताया जाए कि हमारे 10वीं जमात के इम्तिहान शुरू। ऑफिसरान की टीमें इम्तिहानी मराकज पर पहुँच कर रही है मुआयना, तलबा की तलाशी भी ली जा रही है ताकि नकल न हो। सीनियर लीडर एडवोकेट मारूफ खान ने की पूछताछ के साथ बात। अवाम को तरह तरह के लवाजमात पूरे करने के सिलसिले में परेशान करने पर बनाया मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया को तनकीद का निशाना। देखने को नहीं मिले, पहले जम्मू में प्लाजा पर टूल प्लाजा लगा के उससे लोगों को परेशान किया, फिर और बहुत सारे मामला जैसे रेत बजरी लोकल ठेकेदारान की गर्दन जो है वो दबाई गई, बाहर के ठेकेदार मुख्तलिफ यहाँ प्रोजेक्टों पर काम करने के लिए वो लाए गए और मकामी लोगों को मजदूरों को बेरोज़गार बनाया गया। फिर बीच में एंटी लैंड इंक्रोचमेंट ड्राइव वो चलाया गया, उससे एक अफरा तफरी लोगों के अंदर खौफ और आस पैदा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सुरम कोर्ट में लोकसभा प्रवास योजना के तहत किया प्रोग्राम का इनेकाद। पार्टी कारकुनान और लीडरान ने बड़ी तादाद में की शिरकत। हिंदुस्तान आजाद, हिंदुस्तान अभी है, ये हमारे पूंछ के यहाँ के जो संयोजक हैं वो संजय केसर जी अभी आई आ रही। मकसद यही है कि हर एक हमारे जितने भी जो लीडर्स यहाँ पे हैं या जितने भी हमारे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको यही हदायत दी गई है कि तमाम लोग जो है वो हर घर तक पहुँचे और मोदी जी की जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिन स्कीमों से लोगों को बेनिफिट मिला है, उन स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी जो है वो दी जाए। आप देखेंगे कि इसी साल आने वाले जो है 2024 में कई बड़े इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी सतह पे जो है वो शुरू कर दी है और हम चाहते हैं कि आने वाला जो वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी यही गुजारिश है तमाम लोगों से कि चौधरी लाल सिंह ने किया कठुआ में अवामी इज्तिमा को खताब। मरकजी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना, कहा 8 सालों से लोग परेशानियों से हैं दो चार। नौकरी कोई नहीं देनी, 8 साल हो गया कोई टीचर लगे रहे, 500 टीचर चौधरी लाल सिंह ने इस मसूरी कॉन्स्टिट्यूंसी च रेफरे तरीम च लगाया था, अज 5 लगाई दस 5 उठे थाने 5 लगे और स्कूल सारे चोरी जिन्हें स्कूल खोले
किन्ने स्कूल बंद कर रहे हैं। साबिक एमएलए एजाज जान उमरा की सआदत हासिल करने के बाद पूंछ पहुंचे एनसी लीडरान कारकुनान और मुअज्जिज शहरियों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। वहाँ पे दोबारा मैं जाऊँ और कोशिश करूँगा कि अगली बार जब हम जाएँ तो आप साथी भी साथ में हो, ताकि अच्छे से दोबारा से वहाँ जो है उमरा करें। और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हमें हज भी जो है नसीब करें, और ताकि हम वहाँ पहुँचें और अपने साथियों के लिए, अपने लिए दुआ मांगे और अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करें। शुक्रिया साहब। तारीखी मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमद से जारी, 42 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटा दी गई। तारीखी मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम मजीद तेज हो गया है। 42 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ अब तक हटा दी गई है, और इन सब के बीच में मैकेनिकल विंग के जिम्मेदारान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मौसम साफ रहा, यह मौसम पर मुनहसर है कि पीर की गली में सिंगल लाइन को बहुत जल्द छुआ जा सकता है, और अगर मौसम ने साथ दिया तो मुमकिन है कि उससे भी आगे बहाली का काम चला जाए, सड़क ठीक हो जाएगी और आला हुकाम जिस तरीके से हिदायत देगी या सुबह इंतजामिया जिस हिसाब से फैसला लेगी उस पर ये मुनहसर करेगा कि आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, और कम से कम पीर की गली तक रास्ता जल्द खुलने के इम्कान है जिस रफ्तार से काम इस वक्त जारी है, और 42 किलोमीटर सड़क पर बर्फ हटा ली गई है। सब जिला अस्पताल नौशहरा में माजूर अफराद के लिए खसूसी कैंप का इनेकाद, माजूर अफराद ने किया शुक्रिया अदा। उनको बहुत सारी चीज़ें अवेयर कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का नौशहरा की इस धरती पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में ये है कि काफ़ी देर से नौशहरा के लोगों की ये डिमांड, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है या उन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है? ये आज यहाँ कैंप लगाया जा रहा है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो बड़े दिनों से यह मांग थी यहाँ जो एक्चुअल लोग डिजर्व करते थे कि डिसेबिलिटी है और वहाँ पे जाना उनके लिए मुश्किल था, तो मैंने सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आज ये डेट रखी हुई थी, और हमारी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ आज यहाँ पे आए हैं, तो आज हम इनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं डिसेबिलिटी के। डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि जो डिसेबल्ड बंदे हैं उनके लिए अगर दूरी पहुँचना है तो कम से कम दो तीन बंदे उनको। बिजली के बकाया जात की अदायगी में ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी, एक्सईएन इरशाद हुसैन। ये इनको की किराया जो है जमा करवा दो, तो आजकल हमने ड्राइव शुरू की हुई है, आप हमने मुलाजमों की पावर भी काटनी शुरू कर दी हुई है, तो आपकी मदद से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ क्योंकि एमनेस्टी स्कीम का फायदा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक भी एमनेस्टी स्कीम का फायदा कोई नहीं ले रहे हैं। देखो जब हम उनकी पावर काटे तो उसके नेक्स्ट डे वो जितने भी लोग हैं उन्होंने बिल जो है जमा करवाया और उनकी पावर रिस्टोर कर दी है। ऐसे ही हमने कुछ स्टेशन भी, कुछ मंडी साइड में एक दो स्टेशन जो है वो भी काटे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक किराया दिया ही नहीं। पिछले दिनों हमने सुप्रीम कोर्ट में भी काटे थे स्टेशन, तो उन लोगों ने किराया जमा करवाया। लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ आपकी मदद से कि जितना जल्दी हो सके रेवेन्यू जमा कराएं, ताकि दिन बड़े कम रह गए। पता नहीं आप लोगों, महकमा एग्रीकल्चर ने लोरन में कैंप का इनेकाद किया, कैंप के दौरान मुकामी लोगों ने ऑफिसरान से किया बरहमी का इजहार, कहा उनके साथ नाइंसाफी क्यों होती है। आज आपको पता है 31 मार्च है, रूरल डेवलपमेंट हो या और भी हमारे डिपार्टमेंट काफी हैं, पीडब्ल्यूडी है, आरएनबी है, पीएनजीएसवाई है, हजारों के तहत में डिपार्टमेंट है। 31 मार्च पे क्लोजिंग होती है पूरे साल की, तो इस वक्त इन्होंने 15 मार्च को यहाँ पे कैंप लगाया। ये मैं कहूँगा साफ वाजिया तौर से, ये अगर पीछे 1 महीने लगा होता है, 2 महीने पहले लगा होता तो शायद कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉफिट होना था इस स्कीम से, लेकिन ये खाली फंड के लिए।